नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlllntop.com की वर्ल्ड कप स्पेशल सीरीज रनबाज। वर्ल्ड कप 2019 का 44वां मैच, भारत वर्सेस श्रीलंका। मैच ऐसा था कि नतीजा कुछ भी आता, वर्ल्ड कप के आगे के मैचों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। मैच अंत में भारत जीता भी, मगर वर्ल्ड कप में एक ऐसी चीज लगातार हो रही है जिससे फर्क पड़ता है। बीच मैच एक जहाज मैदान के ऊपर से उड़ता जाता है, बार बार जाता है, पीछे एक पट्टी लहराती दिखती है जिसमें कुछ पॉलिटिकल मैसेज लिखे होते हैं। पहले ये हुआ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में, और इसके 10 दिन के अंदर ये फिर हुआ श्रीलंका और भारत के मैच में। पहले लिखा था जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, यानी तब निशाने पर था पाकिस्तान। अब लिखा है इंडिया स्टॉप जेनोसाइड एंड फ्री कश्मीर, माने निशाने पर भारत है। ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही केस में मैदान एक ही है, हेडिंग्ले का मैदान। पिछली बार जब ये कांड हुआ तो ICC ने कहा था कि उन्हें ये तो मालूम था कि हेडिंग्ले लीड्स के एयरपोर्ट की ओर जाने वाली फ्लाइट्स के रास्ते में है, लेकिन उन्हें लगता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ICC ने साफ किया था कि वो वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह से दिखाए जाने वाले पॉलिटिकल मैसेजेस का पक्ष नहीं लेती है और इस काम के जिम्मेदार लोगों से पुलिस की मदद से निपटने की कोशिश करेगी। पर ICC ने क्या किया ये तो इस मैच में देखने को मिल ही गया। हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों से एक ही बात कहते हैं, घुइयां छील रहे थे क्या। ICC का इस मसले पर ताज़ा बयान भी आया है। उसका कहना है कि हमने लोकल पुलिस फोर्स से इस तरह की घटनाओं को रोकने को कहा था। पिछली घटना के बाद वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया था कि ऐसा फिर नहीं होगा, मगर ये हुआ। हमें इस बात का बेहद अफसोस है। अब ये भी बताया जा रहा है कि अगले 2 सेमीफाइनल यानी 9 और 11 जुलाई के लिए मैदानों के ऊपर के इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। इधर BCCI भी इस मसले पर एक्टिव हो गया है। ICC से उसने इस मसले को लेकर ऑफिशियल कंप्लेंट भी की है, साथ ही पाकिस्तान पर बैन लगाने की मांग की है। BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने PTI को बताया, हमने ICC से कड़े शब्दों में इसकी शिकायत की है, अगर फिर कुछ ऐसा सेमीफाइनल में होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमारे लिए टीम के प्लेयर्स की सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है, हम इसे समझौता नहीं करेंगे। बाकी ये तो साफ हो गया है कि चाहे पहले अफगानिस्तान वाले मैच की घटना हो या आप भारत लंका वाले मैच में फिर प्लेन का आना, बलूचिस्तान वाला मुद्दा हो या कश्मीर वाला, दोनों ही जगह एक पार्टी पाकिस्तान है। वैसे भी यॉर्कशायर के जिस इलाके में ये मैदान है वहाँ पाकिस्तानियों की काफ़ी तादाद है, तो इसमें बिना किसी शक पाकिस्तान से जुड़े लोग ही शामिल थे। कश्मीर के मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच वैसे भी हमेशा से टेंशन रही है। ऐसे में इस तरह के पॉलिटिकल स्टंट का बार बार दोहराना, वो भी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, चिंता करने वाला है। ICC को अपनी तैयारियां और दुरुस्त करनी चाहिए। आपका इस तरह बीच मैदान के ऊपर जहाज़ों का आना और पॉलिटिकल मैसेज दिखाना, इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।